वही अपना आ गए थे यार घर पे। बैग भी पैक हो चुका है ऑलरेडी और सुबह के कपड़े भी अपने तैयार हैं। तो हाँ जी भाई, गुड इवनिंग गाइस, सभी को कैसे हो सभी लोग। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं इवनिंग में ही अपना, सवार आ गया लेने के लिए। अच्छा, कार में आया ये बंदा। और मैं ये कह रहा था कि बस सुबह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी अपना, कल रात को लेट आए थे ऐसे पार्टी में से। तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, ब्लॉग को देखते हैं कुछ स्पेशल होता है तो दिखाते हैं। और कुछ हैप्पी बर्थडे टू यू बिलेटेड, नए नए जूते देखो भाई भाई के। और ये बेचारा यहाँ पे वॉल्यूम अप करने की जगह कम कर दिया भाई। आ चुके हैं बच्चा बाइक पे, बाइक पर आ गए हैं, थोड़ा बहुत अब घूम लेते हैं यार, ऐसे ही कुछ कुछ कर लेते हैं, दोस्त यारों से मिल लेते हैं। अब ये जाते जाते ये टक्कर के इनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, यहाँ पे सवर पैर लगा के उनको पेट्रोल पंप तक लेके जा रहा है। रास्ते में लोग ये पेट्रोल पंप भी जा रहे थे, अब रेड लाइट पे पीछे वाला बंदा धक्का लगा रहा बाइक को, क्योंकि हम आगे निकल गए थे ट्रैफिक की वजह से। और फाइनली अब पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, पेट्रोल डलवा लेते हैं इसमें। तो भाई अब यहाँ पे घूमना भी हो गया है, ज्यादा शूट नहीं किया, एक लास्ट शूट कर लिया। तो भाई अब आ चुके हैं अपना यहाँ पर सोसाइटी में, फ्लैट में, घर पर, आपको मिलेंगे बाद में, बाय बाय। जी गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ एक बार अपने कैफे पे, वहाँ पर मिलकर स्टोरी एक है तो वो कंप्लीट करके अब पहले पर कैफे में भाई हो गए अपना फ्री। उनकी बातचीत उससे बनने से कोर्स के लिए आया था उनका, तो करेगा भी प्लान, बाकी बताते हैं आपको। अब चलते हैं घर पे, वेट कर रहे हैं पापा भी, बाकी जाना है घर के साथ। तो भैया आ चुके हैं हम अपना एक्सपोर्ट में शॉपिंग करने के लिए। भाई हम तो एक्सपोर्टर में जब भी आते हैं, हमारा तो सोनू ही है अपना भाई, जो हमको दिखा देता है सब बढ़िया चीज़ें, तो सोनू के पास आओ। तो भाई अब यहाँ से भी ले लिया कुछ कुछ सामान एक्सपोर्टर से, अब चलते हैं के फारिक यहाँ से भी ऑफिस में मिल ले सबसे एक बार ही, बाकी अपना कल निकल गए अपन, तो मिलेंगे आपको फाइनल और पहुँच के कल, अभी तो घर जाएंगे। तो भाई अब आ चुके हैं अपना मंदिर के अंदर, पूजन करते हैं, भले काफ़ी दिन हो गए सुबह नहीं आ पा रहे थे, बाद आ गए अपन शाम। लो फिर भाई दर्शन कर लो मंदिर के शाम को काफी दिनों बाद। और ये यहाँ पर शिव जी हमारे, और ये हमारे जो तो मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ ली, गलती से पकड़ ली थी राइट हैंड में, तो चेंज करके राइट हैंड से आरती कर रहा हूँ मैं। तो लो भाई यहाँ से पूजन हो गया है, अब चलते हैं कहीं कहीं घूमने, उससे पहले कुछ काम है छोटा सा वो कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। आज तो यार अकेले घूम रहे हैं क्योंकि सावर अपना शादी में गया था किसी की, और एक बंदे को और कॉल किया था वो भी मार्केट है, एक बंदे को और फोन किया था उसके भी कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पा। भाई आज तो यार किसी से मिलना नहीं हो पाया, सब बिजी थे, मतलब सावर अपनी शादी में गया और जो बाकी बंदे थे वो भी कहीं ना कहीं बिजी। तो आज चुका मैं वापसी अपने यहाँ पे घर पर, चलते हैं चलिए वापस। बैग पैक हो चुके हैं गाइस, रेडी फॉर टुमारो फ्लाइट। वही अपना आ गए थे यार घर पे, बैग भी पैक हो चुका है ऑलरेडी और सुबह के कपड़े भी अपने तैयार हैं। और तो कुछ नहीं रहा जहाँ तक है मेरे को, बाकी आज रात को अपना काम करा के जो थोड़ा बहुत आज कंटेंट शूट करें, तो आज भी आज ज़्यादा शूट नहीं हुआ, बस बिजी चल रहा हूँ, कभी कहीं जाना पड़ जाता है कभी कहीं पे। और वैसे तो कल भी नहीं गया, कल तबीयत खराब थी थोड़ी सी ज़्यादा, आज ठीक है। तो भाई अब अपना खाना पीना हो चुका है सब कुछ डन, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाहर निकल रहा हूँ, मतलब राजू से बात के बारे में बोला है तो उसके वो भी बातचीत, मैं सोच रहा हूँ मैं बैठ के एडिटिंग कर लेता हूँ, जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, जल्दी फ्री हो जाएंगे। अभी अब एक बड़ी चीज़ें उसे मिलाते हैं फ्लैट पे, मैंने उनको बताया अभी मैं जा रहा हूँ, वो कह रहे भाई बिल्कुल मिलते भी नहीं, क्या बताया भी नहीं, मैं कहते नहीं इसलिए बताया था मैंने, कह रहे बताया ही नहीं, तो मैं कहा चलो अब आ जाता हूँ मिलने, कोई बात नहीं। वहाँ पे सभी को हम आ चुके हैं फ्लैट पर, तो यार अभी भाई हमारे बहुत ज्यादा पीछे है, पता है क्यों? क्योंकि केबीसी के पास इनके पास एक्सपर्ट एडवाइस के लिए कॉल आया, मैसेज आया, तो ये बस उसी के आंसर देने में थोड़ा व्यस्त हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपस में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या आंसर सही होगा केबीसी में, उनको बताने के लिए जो इनके दोस्त गए हुए हैं, जो एक्सपर्ट राइस चाहिए होती है, तो हमारे फ्लैट पे मोहित भाई के पास आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर वो बंदा नहीं आया वापस, फिर मैंने उसको फोन किया, मैं कहा भैया बाहर रोड पे आ गया 2 मिनट में आ गया भैया, उस बंदे ने फोन 10 फोन करे उसको मैंने,
बस से उतरवा दिया और वो मेरे सामने वही बस डबी उसी में बैठा दोबारा से छूट गया। 15 मिनट लेट हो गया था, मैं चली गई फिर राजेश के पास। बड़ी कॉलेज थी, मैंने उसको मैसेज करा, मैं कहा आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मर गया। मेरा नंबर था, 10-15 मिनट बाद फोन करी, मैं कहा भैया कर हेलो कौन, मैं कहा मैं वो बोल रहा हूँ जो रात को ऐसे कुछ कुछ बड़ा गंदा गंदा बोल रहा था, घर वालों को और बात कर रहा था, भैया आप मरोगे एक्सीडेंट। पूछते हैं कहता तेरा दल्ला कहाँ पहुँच गया, तरावड़ी पार कर चुका होगा वो, ये मैं आप दिखा कह रहा आप मिले ही नहीं तो साढ़े कह रहा तू तरावड़ी नहीं मरेगा। वो कुछ दिन आदमी है कपूर भाई का, भाई बढ़िया सी आ रही कपूर, कपूर भाई को छोड़ने गया मैं इधर बाहर ऑफिस से, कह मेरे पापा आ गए लेने के लिए। अच्छा करे तुम दिखे ही नहीं, मैं तो आगे चला गया आईटीआई चौक चले गया, बता उनको पता है क्या तुम रोड पे खड़े नहीं थे, मैं आगे चला गया रोड पे खड़े हो जाओ तो मैं ले जाऊंगा नहीं तुम आगे चला जाऊंगा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तुम्हारा बेटा है वो <देखे। laughs> तो मैंने कहा था ना कि वहां उतर जा नमस्ते जो के, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा तुम आ जाओ, आए तू क्या करेगा मैं चला जाऊ। कपूर भाई कहते तुमने फोन कर लिया, अगर फोन नहीं करते तो वहां पहुंच जाते अम्बाला सीधा, तुम दिखे ही नहीं। अम्बाला तक तो दिखे नहीं थे मेरे को, फिर मैं अम्बाला आ गया। और हम गए ना वहां पर नमस्ते अंकल जी, पूरे बताया कह रहे हैं पहले आना चाहिए था ना तुमको, हाल होगी क्या करे। चलो भाई भाई तो भी लिफ्ट बुला लेते हैं और चलते हैं अपना, ये लिफ्ट करके चलते हैं अपना, सीढ़ी नहीं बनाई वैसे आई जाएगी कोई बात नहीं।